सागर जिला के गड़ाकोटा में सुनार नदी में अचानक पानी को बहाव बढ़ गया है और इसे जरुआ बम्बा के पास तीन चार छोटे बच्चा फंस गए हैं। और पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक भार्गव मौके पर पहुंचे हैं और बच्चों को बचाने का प्रयास जारी है। आप देखो की तरीके से फंसे हैं रंगुआ गाँव के ये बच्चा, और कलेक्टर सागर से भी पूरे मामले में मदद मांगी गई है। देखो जरा पूरा घटनाक्रम। वक्त हम सुनार नदी के पास खड़े हुए रंगवा ग्राम है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए यहाँ नदी के पास आ गए और नदी में अचानक पानी बढ़ने से वो यहाँ फंस गए। रेस्क्यू चालू है। यहाँ मौके पे थाना प्रभारी, एसडीएम, तहसीलदार मौके पे हैं और पूरे घटनाक्रम को शांति देखते हुए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। रेस्क्यू के लिए यहाँ छोटे छोटे बच्चों को तैराकों द्वारा उनके पास पहुँचाया गया है और मौके पर जैसी सूचना मिली तो अभिषेक भार्गव जो भाजपा के नेता हैं उनको भी सूचना मिली तो वो यहाँ मौके पर आए हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों की मदद की जाए और बच्चे जो हैं सुरक्षित नदी से बाहर निकाले जाए। लगभग 10 बजे मुझे जानकारी लगी थी और मैं तत्काल यहाँ पर आया। माननीय मंत्री जी को भी जानकारी दी, उन्होंने कलेक्टर से बात करके जो हमारा होमगार्ड में इसका एक विशेष बल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपातकाल में जिनका उपयोग होता है, उनकी टीम भी सागर से निकल आई है। वह भी टीम यहाँ पर आ रही है और लोकल स्तर पर जितने भी गोताखोर हैं उनकी भी हम मदद ले रहे हैं ताकि एक तो हमारा गोताखोर वहाँ तक पहुँच गया है बच्चों तक, लेकिन उनको लाने की व्यवस्था भी समझ में नहीं आ रही है। हम लोगों ने रस्सियाँ बुलवाई हैं और बोट बुलवाई है। अब तमाम प्रयास करके हम बच्चों को सुरक्षित निकालने का उपाय कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत भयंकर तेज़ गति से पानी बढ़ रहा है, यही हमारी चिंता का विषय है। हम सभी लोग यहाँ पर शासन प्रशासन और ग्रामीण लोग भी हम सभी लोग इसी प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द बच्चों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाए और ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि हमारे प्रयास सफल हों, बच्चे सुरक्षित हों। कितने बच्चों के फंसने की जानकारी लगी है? चार बच्चे फंसे हुए हैं और आप देख सकते हैं दो बच्चे बहुत छोटे हैं, दो बच्चे थोड़े बड़े हैं और एक व्यक्ति जो उनके साथ में खड़ा हुआ है वह हमारा गोताखोर है जो वहाँ तक पहुँचा है। शुरू में दो गोताखोर भेजे थे लेकिन एक गोताखोर असफल हुआ और पानी के बहाव के कारण नीचे गिर गया था। एक पहुँचा है लेकिन बच्चों को लाने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, हम लोगों ने रस्सी बुलवाई है। अब प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी कोशिशों में सफल हों और जितने भी उपाय हो रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। अब एक साल में करें एमपीपीएससी की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन करें सिविल सर्विसेज क्लब का एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। साल भर का ये ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से भोपाल में शुरू हो रहा है। इस बैच में सीटें हैं केवल 100, साल भर की फीस है केवल 30,000 रुपए और एडमिशन होंगे 1 जुलाई 2021 को सुबह 7 बजे से। कॉल करें 7747068666 पर।